नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का। देवास जिले में आबकारी विभाग के द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई, कलेक्टर महोदय देवास ऋषभ गुप्ता के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पांडे के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त बागली में जिले के संयुक्त दल द्वारा आज सुबह बजरंगगढ़ में नदी एवं जंगल में सर्चिंग की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब तथा महुआ लाहन बरामद किया गया, जिसमें 60 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 4200 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। लाहन को मौके पर विधिवत नष्ट किया गया। कुल 7 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। कार्रवाई में जब्त सामग्री का बाजार मूल्य 2,22,000 रुपए है। यह न्यूज टुडे से राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल कन्नौज में मलेरिया रथ का बीएमओ डॉक्टर मीणा ने दिखाई हरी झंडी। सिविल अस्पताल कन्नौज में जून मलेरिया माह के अंतर्गत मलेरिया रथ को बीएमओ डॉक्टर लोकेश मीणा द्वारा हरी झंडी दिखाकर कन्नौज विकास खंड के गाँव के लिए रवाना किया गया। बीएमओ डॉक्टर मीणा द्वारा बताया गया कि ये रथ विकास खंड के गाँव में जाएगा और लोगों को मलेरिया की बीमारी के बारे में तथा बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करेगा। वर्षा ऋतु के आरंभ में जल जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है और मच्छरों से होने वाली बीमारियां भी इस मौसम में बढ़ जाती हैं। मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। बीमारी होने के पहले ही इसकी रोकथाम हो जाए तो बीमारी फैलाव रोका जा सकता है। बारिश के मौसम में ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। मलेरिया में ठंड लगकर तेज बुखार आता है। मलेरिया की दवाई सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। ए न्यूज टुडे से राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मंदसौर जिले सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य जगदीश धनगढ़ फौजी द्वारा पद यात्रा निकाली जा रही। यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश को घर घर तक पहुंचा रहे। बता दें, पद यात्रा का आज चौथा दिन है। यात्रा का शुभारंभ शिवगढ़ से किया गया। पद यात्रा सुवासरा विधानसभा के प्रत्येक गाँव गाँव जाएगी। गौरतलब है कि पद यात्रा का जगह जगह ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया जा रहा है, साथ ही जनता का आशीर्वाद और प्यार खूब मिल रहा है। पद यात्रा कर रहे जगदीश फौजी ने बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का संदेश घर घर तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता द्वारा इस यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। इस यात्रा में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हैं। न्यूज़ टुडे से बीएल धमानिया की रिपोर्ट। आदरणीय हमारे कमलनाथ जी की जो घोषणाएं हैं और उन्होंने जो घोषणा करी है, तो उनकी एक घोषणा नहीं है, एक वचन पत्र है। और उनका जो वचन होता है वो वचन सत्य अटल है। जो वो काम करते हैं वो करके दिखाते हैं। तो उनकी जो योजना है, 500 रुपए में सिलेंडर, 1500 रुपए महिला को प्रति महीना गायों के लिए गौशाला खुलवाना, जो पुरानी पेंशन उसको लागू करना, बचे हुए किसानों का कर्जा माफ करना, ये जो उन्होंने घोषणाएं करी है, उनकी घोषणाओं को लेके हम गांव गांव गली गली हर घर घर दस्तक देके ये बता रहे हैं कि हमारे कमलनाथ जी का ये वचन पत्र है। दतिया रामलला मंदिर में हाईवे तक सड़क चौड़ीकरण में बने मकान को प्रशासन ने तोड़ा। मध्य प्रदेश के दतिया में दतिया जिला प्रशासन ने बुधवार को हाईवे से रामलला रोड पर निर्मित पक्के निर्माण अवैध बताते हुए तोड़ दिया, जबकि जमीन के क्रेता विक्रेता दोनों ही प्रशासन की कार्रवाई को गलत ठहरा रहे। उधर मामला कलेक्टर संजय कुमार के संज्ञान में पहुंचा तो कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण से पहले ही जमीन खरीदने वाले को बता दिया गया था कि यह जमीन सरकारी है। सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन की जरूरत, इसलिए अवैध अतिक्रमण मानते हुए इसे हटाया गया है। हरचरण कुशवाहा ने 2016 में अपने जमीन के हिस्से में से 30-30 फीट का एक हिस्सा श्रीमती मिथिला देवी कुशवाहा को बेचा था। इसकी उनके पास विधिवत रजिस्ट्री, सीमांकन पटवारी की टीप और अन्य सभी दस्तावेज उनके पास मौजूद है, लेकिन प्रशासन इस जमीन को अपनी बताते हुए हाईवे से न्यू कलेक्टर और रामलला को जाने वाली सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इस पक्के निर्माण को तोड़ दिया। इस मामले में मौके पर पहुंचे राजस्व अमले को क्रेता विक्रेता अपने सभी दस्तावेज दिखाते रहे, पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और जेसीबी की मदद से दुकान को तोड़ दिया, जो कि 30x30 फुट क्षेत्रफल में बनी हुई थी। मिथिला देवी के पुत्र का कहना है कि इससे पहले उन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी सीधे मौके पर पहुंचे और तोड़फोड़ करके कार्रवाई शुरू कर दी। मैंने वर्ष 2016 में प्रशासन कुशवाहा जी से ये प्लॉट लिया था। इसकी प्लॉट की जो नाप है 30x30 की है। इसकी रजिस्ट्री थी मैम, इसकी डाइवर्सन है, इसकी NOC है, RI पटवारी द्वारा इसकी नाप कराई गई, लेकिन शासन ने बिना सूचना दिए हुए मेरा दुकान तोड़ दिया गया है, जिसका मुझे कोई जानकारी नहीं दी और ना कोई मुआवजा दिया गया। मेरा लाखों का नुकसान है और
मुझे शासन की तरफ से न्याय दिलाया जाए। प्राइवेट जमीन की रजिस्ट्री है उसको नपा करके और वहाँ पर बनाना चाहिए। जब वो दुकान बन रहा था तब पर भी हम लोगों ने रुकवाया था उसको, लेकिन तभी वो जबरन जबरदस्ती जो है वो बनाते चला गया। अब जो रोड के लिए कुछ जमीन की आवश्यकता पड़ी है तो उसको तोड़ा गया। कटनी में 141वें रथ यात्रा उत्सव का भव्य शुभारंभ। शहर में निकली शोभा यात्रा भगवान जगन्नाथ पहुंचे अपने धाम। जगह जगह आरती उतार कर हुआ प्रसाद वितरण। कटनी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंगलवार को शहर में धूमधाम से निकाली गई। 9 दिन चले 250 कोस की कहावत वाली इस रथ यात्रा में श्रद्धालु भक्तिभाव में सरोबार रहे। इस दौरान घंटे घड़ियाल वेद ध्वनि के बीच जय जगन्नाथ के जयकारे गूंजते रहे। जगन्नाथ चौक स्थित श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर से लकड़ी से सुसज्जित रथ में भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ विराजमान होकर निकले। इससे पूर्व भक्तों ने प्रभु की आरती उतारी और प्रसाद वितरण शुरू हुआ। न्यूज़ टुडे से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। आज पूरे विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई जा रही है। कटनी शहर में 11 दिन का जगन्नाथ महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें कल हमने एक वाहन रैली के माध्यम से शहर की जनता को आमंत्रित किया कि आज रथ यात्रा में शामिल हो। शाम 5 बजे जगन्नाथ चौक से आज महाप्रभु रथ में विराजमान होकर 1100 दीपों से वहां के नागरिकों ने उनकी आरती की एवं वहां से महाप्रभु का जुलूस आरंभ हुआ। इसमें दिल्ली जयपुर कटनी की विभिन्न झांकियां और शिवाजी सेवा समिति की महिला एवं पुरुष दोनों अखाड़े के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और श्यामा श्यामा मंडल की द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति की जा रही है। शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर रोड पर बीती शाम गैस पाइपलाइन में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग इतनी बढ़ गई कि घर में ब्लास्ट हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं घर में मौजूद 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें शिवपुरी के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया कि हादसा गैस पाइपलाइन में आग लगने की वजह से भी हो सकता है या एसी के कंप्रेसर फटने से भी यह हादसा हो सकता है। घटना में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। यह मकान पंचायत सचिव राघवेंद्र लोधी का है। न्यूज़ टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम भड़ूस के पास चलती कार में लगी आग। बाल बाल बचा परिवार। विजय ग्राम से बैतूल आ रहा था महाले परिवार। बता दें कि बैतूल इंदौर हाईवे पर भड़ूस के पास एक चलती कार में आग लग गई। कार में सवार सभी यात्री सुरक्षित निकाल लिए गए। प्रत्यक्षदर्शी जगदीश बंजारे ने बताया कि विजयनगर से बैतूल निवासी महाले परिवार बैतूल आ रहे थे। भड़ूस के पास चलती हुई कार से सामने के हिस्से में अचानक धुआं निकलता दिखाई दिया, तभी उन्होंने कार को सड़क से किनारे खड़ा कर दिया। कार से आग की लपटें निकलने लगी थी। तत्काल सभी कार सवार कार से उतर गए। घटना के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जो फिलहाल सुरक्षित है। न्यूज़ टुडे से अनिल कजोड़े की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रवक्ता बोले, नगर पालिका बनी भ्रष्टाचार का अड्डा। ठेकेदार पर हो 50 लाख जुर्माना और फर्म को किया जाए ब्लैकलिस्टेड, अनिल भारद्वाज कांग्रेस प्रवक्ता। दरअसल मामला भिंड जिले का है, जहां भिंड रेलवे के ट्रैक पर नगर पालिका भिंड के द्वारा सड़क डालने का कार्य किया जा रहा है, जिस पर रेलवे प्रशासन ने किया अपने ट्रैक को औचक निरीक्षण और सड़क का कार्य होना पाया। वहीं भिंड नपा सीएमओ से फोन कर पूछा तो नपा सीएमओ बोले, मुझे नहीं पता, लेकिन रेलवे प्रशासन ने तत्काल रेलवे ट्रैक पर हो रहे कार्य को रोकने के लिए कहा और यदि कार्य हुआ तो रेलवे प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी, जबकि नपा सीएमओ के द्वारा ही वर्क ऑर्डर ठेकेदार को दिया गया। 23 साल से चले आ रहे कृषि भूमि के सीमांकन के विवाद का जमीन पर बैठकर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने किया निराकरण। दोनों ही पक्ष हुए संतुष्ट। सिलवानी तहसील के चंद्रपुरा ग्राम में 2 पक्षों के बीच भूमि के सीमांकन को लेकर 23 साल से चल रहे विवाद का बुधवार को निराकरण हो गया। मौके पर पहुंचे राजस्व और पुलिस के अमले ने दोनों ही पक्ष को समझाइश देकर विवाद को समाप्त कराया। जानकारी के अनुसार तहसील के चंद्रपुरा ग्राम निवासी राधाबाई तथा चिचोली ग्राम निवासी शंकर लाल अहिरवार के बीच जमीन के सीमांकन को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद का निराकरण किए जाने को लेकर पूर्व में प्रशासन के द्वारा प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन बुधवार को SDM LK खरे, SDOP राजेश तिवारी, तहसीलदार CG गोस्वामी, थाना प्रभारी भारत सिंह राजस्व व पुलिस अमले के साथ ग्राम पहुंचे तथा दोनों ही पक्ष को साथ बैठाकर समझाइश दी।
इस समझाइश का दोनों ही पक्ष पर असर हुआ, जिसके चलते 23 सालों से चला आ रहा सीमांकन का विवाद सौहार्दपूर्ण माहौल में निपट गया। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों के द्वारा सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण कर दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी भूमि पर काबिज किया गया। न्यूज टुडे से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। चक्का जाम कर मार्ग अवरुद्ध करने वालों पर थाना कोतवाली में मामला दर्ज। आज पटवारी उत्कर्ष व्यवहार की शिकायत पर थाना कोतवाली जिला डिंडौरी अंतर्गत ग्राम लुटगांव के दीपक सिंह पिता विष्णु सिंह उजियार पिता बाबूराम तरुण पिता उनीराम एवं उनके साथ गांव के ही अन्य 8 से 10 व्यक्तियों पर धारा 341 147 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्राप्त आवेदन पत्र में दीपक सिंह पिता विष्णु सिंह उजियार पिता बाबूराम तरुण पिता उनीराम एवं उनके साथ गांव के ही अन्य 8 से 10 लोगों के द्वारा मिलकर खरमेर नदी मंडला रोड पुल के पहले ढिंडोरी मंडला मुख्य मार्ग पर लकड़ी बल्ली एवं पत्थर लगाकर गांव पर बिजली नहीं है की बात को लेकर चक्का जाम कर ढिंडोरी मंडला मुख्य मार्ग को अवरुद्ध किया गया, जिससे लगभग 3 घंटे आवागमन अवरुद्ध रहा। कटनी तड़के सुबह सवेरे त्रिवेणी मार्बल खदान ने लीला एक परिवार के पालनहार को। कटनी जिले के स्लिमिनाबाद क्षेत्र में ग्राम कछार गांव में स्थित त्रिवेणी मार्बल माइंस में सनसनी उस समय हुई जब ग्रामीणों को यह पता चला कि कछार गांव निवासी लल्लू उर्फ दुलारे उम्र 35 वर्ष की मार्बल की सिल्ली के नीचे दबे होने कारण मौत हो गई है। 100 डायल से स्लिमिनाबाद पुलिस प्रशासन को खबर लगते ही प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ थाना निरीक्षक विपिन कुमार के मार्गदर्शन में खदान पहुंचा। साथ ही बोहरी वन पुलिस बल की थाना निरीक्षक अर्चना सिंह अपने दल बल के साथ पता लगते ही खदान पहुंची, जहां पर मृतक का शव पड़ा हुआ था, जिसको कब्जे में लेकर प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। सभी के द्वारा परिजनों को संतावना दी गई, साथ ही मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। ए न्यूज टुडे से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से जुड़ी प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज टुडे के साथ।